डियर स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लर्निंग परस्पेक्टिव या लर्निंग थेरीज के बारे में बात करनी है uh, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लर्निंग uh, परस्पेक्टिव को या लर्निंग थेरी को सो लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टूवर्ड्स चेंज विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस पोटेंशियल दैट इज इम्प्रूव थ्रू द इंटरेक्शन विद दैट एक्सपीरियंस आर तो uh, एक्सपीरियंस के साथ जो कुछ इंसान अपने uh, माहौल के साथ या जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है उसके नतीजे में उसके जो बिहेवियर में चेंज होती है उसे हम थेरी ऑफ चेंज कहेंगे या थेरी ऑफ लर्निंग परस्पेक्टिव कहेंगे इसे हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं और ये फ्यूचर uh, के हवाले से भी हमें इसकी मदद मिलती है ये हमारा फ्यूचर में किस चीज़ों को लर्न कर के हवाले से हमारे पोटेंशल में ये इंक्रीज़ करता है लर्निंग परस्पेक्टिव को थीरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है और फोकस ऑन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इसमें हम जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं या वो डिटर्मिनेंट होते हैं द अंडरस्टूड अंडरस्टैंड अ पर्सन वी नीड टू कंसिडर तो मतलब ये कि उसको किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वो अपने माहौल के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है या वो किस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करता है और ये वो क्या सोचता है और किस तरह अपने आप को माहौल में एडजस्ट करता है और किस तरह वो सोशली इंटरेक्ट करता है तो ये हमें देखना पड़ता है और डी स्टूडेंट्स वैसे तो लर्निंग पर्सपेक्टिव्स बहुत से हैं लेकिन जो बहुत कॉमन और मशहूर लर्निंग पर्सपेक्टिव्स हैं या लर्निंग थेरीज़ हैं वो कुछ ये हैं उनकी तफसील कुछ यूं है उसमें सबसे पहले बिहेवियरिज्म फिर सेकेंड uh, पे कॉग्निटिविज्म, थर्ड पे कंस्ट्रक्टिविज्म और फोर्थ पे अ साइकोलॉजिकल अप्रोच एम्फिसाइज हाउ इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग अ आसन आर एनिमल्स एक्शंस यानी किस तरह उनकी लर्निंग या उनके एक्शंस पर असरअाज होती है तो इट इंक्लूड्स बिहेवियरिज्म जो बिहेवियर है ये चूंकि हम नुमाया होता है और इसकी हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं यानी ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन में हम जो बिहेवियर साइकोलॉजी को डिफाइन करते हुए भी हम कहते हैं कि ये बिहेवियर जो है ये वो फैक्टर है जो हम जिसको हम मेजर कर सकते हैं जो हमें नज़र आता है सो अ लर्निंग प्रोसीजर इन एसोसिएशंस आर मेड बिटवीन न्यूट्रल स्टिमुलाई एंड आ लर्न नेचुरल स्टिमुलस तो न्यूट्रल नेचुरल स्टिमुलाई और न्यूट्रल स्टिमुलस के दरमियान ये एक लिंक डिवेलप करता है और द वी दट बिहेवियर कैन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट री एनफोर्समेंट अच्छा डायरेक्ट इन जो री एनफोर्समेंट है उसका इसके साथ डायरेक्ट लिंक है यानी अगर आप इनफोर्स री इन्फोर्समेंट या इनक्रेजमेंट या रिवॉर्ड आप उसको देते हैं तो वो उसका उसकी जो जो उसकी परफॉर्मेंस है या जो उसका जो वो अमल है वो पुख्ता हो सकता है और अगर नहीं करते या रिवार्ड आप वापस ले लेते हैं तो वो उस बिहेवियर की एक्सटेंशन हो जाती है एक्सटिंगशन हो जाती है सो लर्निंग एक्सपीरियंस डिटर्मिन द डिवेलपमेंट ऑफ आ एन बिहेवियर बिहेवियरिज्म थेरी जो है फोकस ऑन आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद द एन्वायरमेंट और uh, ये भी स्टेट करती है कि जो इंटरेक्शन है इसमें एन्वायरमेंट uh, के साथ इंटरेक्शन करने से ये जो uh, यानी आप उसको अगर हम इसकी हम कंडीशनिंग पे हम देखें तो पावलो का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें बताता है कि किस तरह हम कंडीशन्स के साथ जैसे फ़र्ज़ करें वो अपने डॉग्स के स, पर एक्सपेरिमेंट करता है और वो फर्स्ट उसकी बेल बजाता है और वो ए, उनके मुंह से स्लाइवेशन नहीं होती फिर ए, बेल के साथ वो ए, जोड़ता है फूड को तो उससे वो उनके स्लाइवेशन होती है और जब तीसरी दफ़ा वो बैल बजाता है और फूड नहीं देता है तो फिर भी वो स्लाइवेशन होती है डॉग्स के मुंह से तो इस तरह ये एक जो कंडीशनिंग है पावलो के एक्सपीरियंस से जो उन्होंने एनिमल पर डॉग्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया और यानी इस तरह ये है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो कंडीशंस है तशरीद इसे कहेंगे उसका एक्सपेरिमेंट उसका इनके बिहेवियर पर इम्पैक्ट है और इसी तरह अपरेंट कंडीशनिंग है जो आ, वो भी उसमें ये है जो बी एफ स्किनर ने हमें प्रेजेंट किया उसमें वो वो री और इनक्रेजमेंट की वजह से रिवॉर्ड की वजह से वो वो बिहेवियर को सिखाता है और उसने भी डिफरेंट एनिमल्स पर और ह्यूमन बीइंग्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए नेक्स्ट जो है हमारा जो लर्निंग पर्सपेक्टिव है वो कग्नेटिव तो काग्नेटिव थेरी सजेस्ट दैट ह्यूमन माइंड इज़ वर्क लाइक अ कंप्यूटर वो हमेशा आपका ह्यूमन माइंड जो है वो uh, काम करता रहता है वो डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करता रहता है उसको प्रोसेस करता रहता है और उससे uh, उस डाटा की मदद से वो uh, कुछ नतज्स करता रहता है तो अकॉर्डिंग टू काग्नेटिव थेरी वेन अ पर्सन एक्सपीरियंसिस स्टिमलाई हिज माइंड वर्कस टूवर्ड्स प्रायर स्कीमा स्कीमा से मुराद वो इंफॉर्मेशन के छोट छोटे छोटे सेक्स होते हैं जो ऑलरेडी उसके माइंड में होते हैं और जब वो नई इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से लेता है तो वो स्कीमा के साथ एडजस्ट हो जाता है और इसको इसको इस प्रोसेस को भी वो मॉडिफिकेशन कह सकते हैं और इसे एक्मोडेशन प्याजे इसे एकामोडेशन कहता है थर्ड जो हमारा लर्निंग uh, थियोरी है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन आइडिया पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज देर ओन मीनिंग देर ओन आइडियाज सो वो खुद नॉलेज बनाते हैं अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट uh, करते हैं अपने मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वो उसको मतलब डिटरमिन करते हैं और वो अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए नई इंफॉर्मेशन कई मालूम की मदद से वो अपने मीनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं डेवलप करते हैं और इस तरह ये कंस्ट्रक्टिविज्म वो थेरी है जिसमें जो लर्नर है वो अपने मीनंग कंस्ट्रक कर ये वो नहीं वो इंडिपेंडेंट लर्नर होता है और टीचर का रोल इसमें क्या होता है वो फैसिलिटेटर का रोल होता है टीचर का रोल गाइड का रोल हो सकता है तो वो वो जो मतलब ये है कि प्रीवियस नॉलेज को वो बिल्डिंग फाउंडेशन के तौर पे यूज करके तो उस पर नया नॉलेज बिल्ड करता है तो ये थर्ड था हमारा लर्निंग परस्पेक्टिव और फोर्थ वन है ह्यूमनिज्म अब जैसा कि इससे नाम से ही जाहिर है ह्यूमनिज्म जो डील ही ह्यूमन बींग से करता है तो ये पैराडाइम और पैडागॉजिकल शिफ्ट है अप्रोच है दैट बिलीव्स लर्निंग इज अ व्यूड एज अ पर्सनल एक्ट टू फुलफिल द पोटेंशियल यानी ये वो थेरी है जो ह्यूमन बीइंग की सेल्फ एक्लाइजेशन पर फोकस करती है और वो वो इस इस बात पे बिलीव करती है कि ह्यूमन बीइंग्स या लर्नर जो है वो ऑब्जर्वेशन करके वो लर्न करता है चीज़ों को और टीचर्स रोल ह्यूमनिस्टिक थेरी में कि वो एक रोल मॉडल होता है टीचर रोल मॉडल होता है और टीचर अपने अमल से साबित करता है और वो फिर गाइड भी होता है और जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है ऑब्जर्वेशन करके सीखता है तो कंस्ट्रक्टिविज़म के बाद जो है उसके बरक्स ये ह्यूमनिज़्म थेरी वाली जो है आ, टीचर से भी उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रोल मॉडल तो है लेकिन वो उनके इस टास्क के लिए वो उनको मोटिवेट करे टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, करे और उनको को इनक्रेज करे और स्टूडेंट का रोल क्या है वो एक्सप्लोर करे अपनी थिंग्स थे, को एक्सप्लोर करे चीज़ों को एक्सप्लोर करे ऑब्जर्व करे तो इस तरह करके तो इसमें जो ह्यूमैनिज्म में है कि इस परस्पेक्टिव में इमोशंस एंड इफेक्ट प्ले अ रोल इन लर्निंग और वैसे भी इमोशंस का लर्निंग के साथ गहरा ताल्लुक है अगर एक चाइल्ड इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो नहीं सीखेगा वो उसकी लर्निंग नहीं होगी सो so इस लिहाज से लर्निंग के हवाले से भी इमोशंस का पॉजिटिव होना इमोशंस का बेटर होना बैलेंस होना ये ज़रूरी है और इसमें थी सेल्फ एक्लाइजेशन और टीचर एज आ फेसिलिटेटर ये और स्टूडेंट का जो है वो ही हैज़ टू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन तो ये थे हमारे पास जो लर्निंग के परस्पेक्टिव थे जो मैंने आपके सामने बयान किए